विशेष सुविधाएं हमेशा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी थी तो फ्री सिंचाई कर दी थी, मंडी में खरीद शुरू कर दी थी, ये एम्बुलेंस भी जो है ये किसानों के लिए, ये जो 100-112 हो गई ये भी गरीबों किसानों के लिए है। हमें बिजली में सुविधा देनी पड़े या अन्य सुविधा देना पड़े, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा हम किसानों को विशेष सुविधाएं देंगे, उसमें चाहे सिंचाई की हो, बीज की हो, खाद की हो, उनकी खरीद की हो पैदावार की, और चाहे बिजली की सुविधा हो, इलाज की हो, उनके जानवरों को रखरखाव की सुविधा हो। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती बाड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे बड़े पैमाने पर देख करके ही कुछ कार्यक्रम बनाए जाएंगे। आपने बुंदेलखंड हाईवे पर बात कही थी और रायबरेली में 2018 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था बांदा बैराज, 600 करोड़ रुपए उसमें खर्च है और 2 महीने बाद ब्रिज टूट गया हाईवे, आज तक नहीं बना है 5 साल। एक बड़ा सवाल है भैया, ये टोल लिया जा रहा है। देखिए इनकी गुणवत्ता, चाहे वो बहराइच से बांदा वाला हाईवे हो जो इन्होंने पूर्व में बनवाया, उसकी गुणवत्ता कई बार हम लोगों ने भी उस पर पार्टी के पेज से भी टिप्पणी की, ये कैसा पुल बना जो तुरंत ध्वस्त हो गया, ये तो भ्रष्टाचार की एक नई किताब लिख रहे हैं। अगर बीजेपी का भ्रष्टाचार देखो तो एक डिक्शनरी लिख सकते हो, इन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए कि कैसे भ्रष्टाचार हो सके, उसी का एक ये उदाहरण है आपका बांदा से बहराइच। बुंदेलखंड हाईवे पे अगर आप चलो तो जो कभी बचपन में आपने राइड ली होगी, यूं जाते यूं वो वाली राइड मिल जाएगी आपको, क्या उम्मीद करोगे जिससे। भैया अगर इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में आती है तो क्या हम पत्रकारों के लिए भी आपको विशेष पैकेज देंगे? तुम्हारी सबसे पहले इंश्योरेंस कर देंगे जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और कुछ पैकेज आप ही बताना कि हम कैसा पैकेज दे दें, क्योंकि भाई पैकेज से ही जमाना चल रहा है, पैकेज से ही जमाना चल रहा है। भाई आप ही लोग बताना ये पैकेज दे दो, हम लोग दे देंगे, उसके बाद आप और हमारी मित्रता हमेशा के लिए रहेगी। भैया जो हाईवे पे जो घटिया कार्य हो रहे हैं, इनको लेकर जो हाईवे पे घटिया कार्य किए गए हैं, इन सब को लेकर के क्या पार्टी के प्रदर्शन करेगी? भैया प्रदर्शन मत कराइए, सरकार को हटाइए, ये सरकार सुनने वाली नहीं है, झूठ बोल देगी फिर कि हमने तो हाईवे अच्छा बनाया। देखिए बी एड बी डी सी शिक्षा में डीटी पास या अन्य नौकरियां जो शिक्षा विभाग की है, अब आप सोचिए शिक्षा विभाग को ये प्रायोरिटाइज करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षा चिकित्सा शिक्षा उसको प्रायोरिटाइज करने जा रहे हैं, ये हमारी जो पराग है उसको प्रायोरिटाइज करने जा रहे हैं। तो ये जब प्रायोरिटाइज का मन है इनका तो कभी भी बी एड टीटी पास या शिक्षा मित्र और बीटीसी वालों को नौकरी नहीं देना चाहते। आप बताओ शिक्षा मित्र बेचारे भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे आप? टीटी वाले भटक रहे हैं, आपके बीटीसी वाले भटक रहे हैं, बी एड वाले भटक रहे हैं, टीटी 2011 तो पूरा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बर्बाद कर दिया। और प्राइमरी स्कूल आप कभी भी देखा ना, जो समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वही पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, और व्यवस्था खराब करते सब। प्रधानों से कहा रंग पोत दो, प्रधानों ने रंग पोत दिया, अरे रंगने पुतने से कौन सी अच्छी एजुकेशन हो जाएगी? अरे आपने भैया 40,000 दे दिया था, बदलाव हो रहा है, इसको आप किस तरह? ये पहले नाम बदल रहे थे नाम, और इनका जनता को गुमराह करने के लिए नए नए कार्यक्रम बनाते हैं ये लोग, जमीन पर कुछ नहीं है, आय दोगुनी वो नहीं चाहते,
नौकरी रोजगार मिले उसकी नहीं, आईपीसी और सीआरपीसी पे बात करेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनाव आयोग को ऐसा बना दे रहे हैं जैसे आपके परिवार के वोट होंगे, आपके परिवार के और सदस्य, तो हर एक को चार बूथ पे लगा देंगे, जाओ तो आधे तो वोट ही डालने नहीं जाएंगे। तो आईपीसी सीआरपी से ज्यादा खतरा चुनाव आयोग में जो अपनी कंट्रोल करना चाहते हैं वो है। अगर चुनाव आयोग में अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे तो चुनाव क्या बचेगा? बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया एक वोट का, वो अधिकार खत्म। आपको क्या लगता है आईपीसी सीआरपीसी क्यों बदल रहे हैं?